हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नए डिज़ाइन का पायदान लेकर के आए हैं। इसके लिए हमने ये देखिए साड़ी की पट्टी ली हुई है और ये 8 नंबर की सिलाई है। सबसे पहले हम इस पर फंदा डालेंगे। आपको जैसे भी बड़ा छोटा बनाना है आप उस हिसाब से इसमें फंदे डाल सकते हो। मैं आपको ये 20 फंदे से बता रही हूँ। आप इसमें 30, 40, इसमें ये नहीं ध्यान रखना है कि 2 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं। ये देखिए, मैं आपको 20 फंदे से इसको बताऊंगी। एक मैंने नॉट लगा लिया है इसमें, बाकी देखिए फंदे आप ऐसे करके भी डाल सकते हो। इस तरह से इस पट्टी को ऐसे क्रॉस में ले करके 3, 4, ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैं आपको 20 फंदे से बता रही हूँ। ये बीच में राउंड शेप बनेगा और इसके ऊपर हम साथ साथ झलर बनाएंगे। तो ये देखिए, उसके लिए 2 फंदे हम ये दूसरे कलर की पट्टी से डालेंगे। ये देखिए, तो आप जितना भी बनाओ, जैसे मैं आपको 20 का बता रही हूँ, आप 30, 40 जो भी बनाओ, लेकिन ये 2 फंदे दूसरे कलर की पट्टी से डलेंगे। ऊपर ये झल्लर के जो 2 फंदे हैं, सिर्फ ये 2 फंदे दूसरे कलर की पट्टी से डलेंगे। बाकी आप जिस हिसाब से जितना बड़ा बनाना चाहो उस हिसाब से फंदे डालोगे। एक मैंने नॉट लगा दिया, ये फंदा हो गया, एक फंदा और हमने ये डाल दिया, तो ये 2 फंदे हो गए। अब ये देखिए, सबसे पहले हम उल्टा उल्टा सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर की पट्टी से बुनेंगे। ये देखिए, अब ये दूसरे कलर की पट्टी के हम फंदे बुनेंगे, तो इसको इस तरह से ऊपर से आगे के साइड को कर लेंगे और इसको नीचे से इस तरह से बुन लेंगे, तो ये इसमें जॉइंट हो जाएगा, इसमें बंध जाएगा। ये देखिए, इसको थोड़ा सा इसे टाइट कर लेंगे और बाकी ये सारे फंदे इस येलो कलर की पट्टी से बुन जाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे फंदे डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से निकालते हैं। ये देखिए, नहीं तो खींच जाएगा तो इसमें गैप आ जाएगा, इस वजह से थोड़ा सा आराम से निकालते हैं पहली सिलाई। ये देखिए, पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली है। जितने भी फंदे हमने डाले थे वो सभी फंदे उल्टे उल्टे बोल लिए हैं। ये देखिए, पूरी सिलाई बन करके कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, इस साइड से भी जो फंदा जिस कलर की पट्टी से बना हुआ है वो उसी कलर की पट्टी से बुनेंगे। ये देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, बाकी इस तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। अब ये जो रेड कलर का फंदा है इसको बुनना है, तो इसके लिए देखिए इस पट्टी को ऊपर से पीछे को ले जाएंगे और इसको नीचे से आगे को इस तरह से क्रॉस में, ये देखिए इस तरह से क्रॉस में, इस तरह से इसको आगे को ले लेंगे। ये देखिए, और ये 2 फंदे इस कलर से बुन लेंगे। इस तरह से क्रॉस में ले लेंगे तो ये आपस में इस तरह से जैसे सिलाई करते हैं वैसे ये जुड़ते जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ से हम ये झल्लर की डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, पट्टी को अपने साइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें जाली बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे जाली बनाना है तो इस पट्टी को अपने साइड को कर लेंगे क्योंकि हमें जाली बनानी है। तो ये देखिए, इसको हमने अपने साइड कर लिया। अब ये देखिए, जैसे सीधा बुनते हैं वैसे सिलाई को लेंगे और इस तरह से घुमा करके ऐसे जाली बना लेंगे। ये देखिए, तो एक फंदा बढ़ गया। अब देखिए वापस, अब इस पट्टी को ऐसे आगे को ले लेंगे, इसको इस तरह से पीछे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ये देखिए, अब ये हमने 20 फंदे का बनाया है, तो यहाँ से 2 फंदे छोड़ देंगे, दो दो फंदे हर बार छोड़ते जाएंगे। इसी तरह से आप अगर 30 का बनाते हो, 30 का बनाते हो तो तीन तीन फंदे छोड़ोगे, 40 का बनेगा तो चार फंदे छोड़ोगे, और जैसे 50 का बनाना है 50 का, तो यहाँ 5 फंदे आप छोड़ते जाओगे। तो इस तरह से ये बनाना है, हमने 20 ये 20 का बनाया 20 का, तो दो दो फंदे हम यहाँ पर छोड़ेंगे। ये देखिए, अब इधर साइड से हमें कुछ भी नहीं करना है, इधर साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से बुना हुआ है उस कलर की पट्टी से बना लेंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदों को हमने उल्टा बुन लिया है। अब ये दूसरे कलर के ये पट्टी है, इससे फंदे को बुनना है। तो ये देखिए, ये येलो वाले पीछे को करेंगे क्रॉस में, और ये रेड आगे को ला करके ये फंदे इससे बुन लेंगे। ये देखिए, ये जो फंदा हमने जाली से बढ़ाया है इसको भी बुन लेंगे। ये देखिए, वापस देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, फिर ये जो हमने जाली से बढ़ाया है वह फंदा है इसको भी बुन लेंगे। इस तरह से इसको भी उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, फिर अब ये हमें यहाँ पे इसमें जाली बनाना है। हर बार हम ये जो फंदा है इसी पे जाली बनाएंगे, जो बढ़े हुए फंदे हैं वो इधर बुनते जाएंगे। तो ये देखिए, जाली बनाना है तो ये पट्टी आगे को ही रहेगी। ये देखिए, इस तरह से घुमा करके जाली बना लेंगे। ये देखिए, तो एक फंदा उस बार बढ़ा था, एक फंदा इस बार और बढ़ गया। अब पट्टी को अपने साइड कर लेंगे। ये देखिए, इसको आगे को कर लेंगे, पीछे से इस पट्टी से सभी फंदों को बुन लेंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, उस बार हमने दो फंदा छोड़ा था, दो फंदा इस बार और भी छोड़ लेंगे, और यहीं से पलट जाएंगे वापस। इधर साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बुन लेंगे। ये देखिए, उल्टे साइड से हमने सभी फंदों को बुन लिया है। अब वैसे ही क्रॉस में करते हुए ये देखिए, ऊपर की जो इधर अपने साइड की जो पट्टी है ये ऊपर से पीछे को करेंगे, और पीछे की पट्टी नीचे से आगे को लाएंगे, और इससे ये फंदे, जितने भी फंदे हैं जो बढ़े हैं और भी जो फंदे हैं उनको सबको बुन लेंगे। ये देखिए, वापस देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे। ये देखिए, फिर पट्टी को अपने साइड किया, उस बार ये फंदा उतारने के बाद हमने एक फंदा बुना था, अब दो फंदे बुन लेंगे। ये देखिए, 1 2 दो बना लिए। अब ये फंदा है इस पर वापस फिर जाली बनाएंगे। ये देखिए, इसको सीधा लेते हुए ये देखिए इस तरह से बुन लेंगे। तो ये देखिए, जाली बन गई और ये फंदा भी बढ़ गया। इसको अपनी साइड कर लेंगे। ये देखिए, बाकी येलो कलर से सभी फंदे बुन लेंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पे 9 फंदे बढ़ा लेने हैं, ये 9 जाली बना लेनी है, और दो दो करके, ये जो दो दो करके ये दो बार हमने छोड़ लिए हैं, ऐसे ही दो दो करके 9 बार ये फंदे सारे छोड़ लेंगे। इतना बना लेते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दो दो करके हमने, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दो दो करके हमने 9 बार इसको छोड़ दिया। अब लास्ट में ये दो फंदे हमारे रह गए हैं। अब ये देखिए, ये इसमें भी हमने 9 फंदे बढ़ा लिए हैं। देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, दो फंदे हमने डाले थे स्टार्टिंग में यहाँ पे, तो इस ये 9 फंदे इसको बढ़ा लिए हमने। तो अब ये देखिए, अब ये कंगूरे को शेप देंगे, तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। अब ये देखिए, ये ऐसे यहाँ पे फंदे इस तरह से नहीं घटाएंगे, ऐसे पीछे के साइड को ये दो फंदे का एक करेंगे। ये देखिए, फिर वापस सिलाई में डाला, एक फंदा और आगे से लिया। ये देखिए, दो का एक करते जाएंगे, फिर वापस ये देखिए सिलाई में लिया, आगे से एक फंदा लिया। ये देखिए, फिर वापस सिलाई में डाला, फिर ये देखिए इस तरह से पीछे से घटाने से फ्रेंड्स, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक फंदा उतारा था तो ये चोटी सी बने,
वैसे ये इधर साइड भी छोटी सी बनती जा रही है। इस वजह से इसको इस तरह से पीछे को जैसे सीधा फंदा बुनते हैं उस तरह से इसको घटाएंगे। ये देखें इस तरह से ये 9 फंदे घटा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। ये देखिए ये टोटल 9 फंदे घटा लेते हैं। ये देखिए 8 और लास्ट में ये 9। अब ये 9 फंदे घट गए और ये देखिए यहाँ पे हमने ये 9 जाली भी बना ली है और ये 9 फंदे घट गए। और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ये 2 फंदे डाले थे तो यहाँ पे भी ये 2 फंदे बच गए। तो ये देखिए इनको हम घटाएंगे नहीं। ये देखिए फिर अब ये जो हमने 2-2 करके ये फंदे छोड़े हैं फ्रेंड्स, इन सभी को बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा करके ये सभी फंदे बुन लेंगे। इस तरह से इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे। ये देखिए जो भी फंदे हैं इनको सभी को हम बुन लेंगे। ये देखिए जितने भी 2-2 करके हमने फंदे छोड़े थे उन सभी फंदों को हमने बना लिया है। ये देखिए तो इस तरह से ये एक कली बन करके कंप्लीट हो गई और ये कंगूरा भी बन गया है। ये झल्लर का एक बन गया। ये देखिए इस तरह से हम तिकोना इस तरह से बन करके कंप्लीट हुआ। जैसे हमने ये एक एक फंदे घटाए फिर एक एक फंदे यहाँ पे हमने उतारे हैं तो ये चोटी सी बन रहे हैं और जो हमने ये फंदे घटाए हैं तो ये यहाँ पे भी ये चोटी सी बन गए तो एक जैसे ही बन करके ये देखिए कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए हम यहाँ पे ये जो कली है ये सभी को एक कलर से ही बनाएंगे। तो ये देखिए इनको उल्टा उल्टा सब पहले बुन लेते हैं। ये देखिए लेकिन ऊपर जो झल्लर है वो हम अलग अलग कलर से बनाएंगे। आप उसे भी एक कलर से बनाना चाहो तो बना सकते हो या तो जितने भी हैं सबको अलग अलग कलर से भी बना सकते हो मल्टी कलर से। ये देखिए ये देखिए इन फंदों को हमने बना लिया है। अब यहाँ से हम दूसरे कलर की पट्टी लगाएंगे और एक हमने यहाँ पे चेंज किया फ्रेंड्स। अगर ऐसे आपको डिजाइन सा यहाँ पे लाना है तो हमने जैसे पहले बताया था वैसे आप इसको बनाना। अगर ये डिज़ाइन नहीं लाना है आपको ऐसे ले आना है तो अभी मैं बता रही हूँ आप वैसे बनाओगे। ये देखिए यहाँ से मैं दूसरी पट्टी लगाऊंगी। ये देखिए अब इस कलर की पट्टी हम यहाँ से लगा लेंगे। इन 2 फंदों को इस कलर की पट्टी से बुन लूंगे। ये देखिए आप इस पट्टी को यहाँ से कट भी कर सकते हो अगर आगे आपको दूसरे कलर की पट्टी लगानी है। अगर इसी से बनाना है तो आप इसको यहीं रहने दो। ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे जैसे पहले उतारा था। पट्टी को अपने साइड किया और यहाँ पे ये देखिए जैसे हमने जाली बनाया था वैसे ही अब फिर जाली बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से फिर वैसे ही जाली से फंदे बढ़ते जाएंगे। और ये देखिए अब इस तरह से ले आना है तो ये पट्टी पीछे रहेगी आगे को नहीं रहेगी। तो ये देखिए वैसे ही जैसे क्रॉस में इसको करते हैं वैसे ही क्रॉस में कर लेंगे। ये देखिए फिर इन फंदों को इस कलर से बुन लेंगे। ये देखिए इसको ऐसे टाइट कर देंगे कि यहाँ पे कोई गैप ना आए। अगर आपको ये डिजाइन सा बनाना है जैसे ये डिजाइन आ रही है इस तरह से अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे बना लेना जैसे मैंने पहले बनाया था। और ये जो सिर्फ छोटी छोटी आए ये नहीं दिखे तो अब जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे बना सकते हो। तो आपको फ्रेंड जैसे पसंद आए आप वैसे, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ऐसे बना लो और ये लगे तो आप ऐसे बना लेना।
पहले हमने जैसे बनाया था और फिर वैसे ये कली बनाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, जैसे हर बार हमने दो दो फंदे नीचे से छोड़े थे, वैसे ये दो फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। अब इस साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से बुना है उस कलर की पट्टी से बुनते जाएंगे। जैसे सेम वैसे ही करना है जैसे इसको हम इस साइड से कर रहे थे, अब इस साइड से नहीं करके इसको इस साइड से करना है। ये देखिए अभी हमने बुन लिया, अब इस पट्टी को इस तरह से कर लेंगे और ये पट्टी ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए, और ये जो हमने जाली से फंदे बनाए थे उसको भी बुन लेंगे। ये देखिए, ये देखिए पहला फंदा उतारे और ये फंदा बुन लिया, क्योंकि जाली हमें इस फंदे पे ही बनानी है सिर्फ। तो ये देखिए इस तरह से जाली बना लेंगे। पहले इस साइड से हम क्रॉस करके लेते थे इस पट्टी को, अब इस साइड से ऐसे देखिए क्रॉस में इस तरह से ले लेंगे। ये देखिए इसको थोड़ा ऐसे टाइट कर देंगे तो यहाँ पे ये कोई गैप नहीं आता है। इसी तरह से हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जैसे ये कली बनी है ऐसे ये कली बन जाएगी, और ये कंगूरा जैसे हमने बताया है वैसे ही ये भी बन जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पांच ऊपर ये जो झल्लर है ये पांच बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही आप ये पूरा राउंड बना कर किए, एक झल्लर के साथ एक कली बन रही है, तो ये हमने पांच कली भी बना ली है और पांच झल्लर बना रही है। ऐसे ही आप पूरा राउंड कंप्लीट कर सकते हो। अब ये इसमें देखिए, अब ये 10 में भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर ज़्यादा फंदे का बनाओ तो उसमें कली और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसे 30, 40, 50 आप जैसे बनाओगे तो कली और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और देखिए ऐसे ये झल्लर बन करके तैयार होगा। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये पायदान आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू।